ठीक है, मैं संडे को आता हूँ। सेम टाइम सेम प्लेस। तुम्हें मेरा लैपटॉप याद है ना, जो तुम मुझे गिफ्ट करने वाले थे? अरे नहीं भूलूंगा बाबा। पक्का? पक्का। ये क्या चल क्या रहा है सबा? और तू है कौन? वो मैं। तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आने की? हाँ अमन छोड़ उसे, बॉयफ्रेंड है मेरा, मैंने बुलाया उसे। तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर बॉयफ्रेंड है ना तो घर के बाहर जाके मिल, मेरे घर पे ये सब नहीं चलेगा। और तू चल निकल यहाँ से, आइंदा यहाँ पे दिखना नहीं, समझा ना? तुम दोनों माँ बेटी ना, मेरी एक बात को कान खोल के सुन लो, ये मेरा घर है, कोई अय्याशी का अड्डा नहीं है तुम्हारा, समझी ना? मैं अपने घर को कोठा नहीं बनने दूंगा। तुम दोनों का पता नहीं लेकिन मेरे पापा की बहुत इज्जत है यहाँ पर, और मैं उसे खराब नहीं होने दूंगा। और तू हर 3 महीने में अपने बॉयफ्रेंड को बदलती है, आइंदा से तेरा कोई भी बॉयफ्रेंड यहाँ पे नजर नहीं आना चाहिए, समझी ना? अमन बस बहुत बकवास कर ली तूने, भूल मत कि जितना तेरा है उतना ही हमारा भी ये घर है। मैं भी बीवी हूँ उनकी और जयंत का बेटी, तो हम जैसे जी जाएंगे वैसे रहेंगे। और अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम है नाम से तो बेच दे ये घर और दे दे हमें हमारा हिस्सा, हम चले जाएंगे। आखिर आ गई ना औकात पे, मुझे मालूम था ये सब। अरे पापा को गुजरे हुए 3 महीने भी नहीं हुए और तू ये घर को बेचना चाहती है, तो एक बात कान खोल के सुन ले, ना ये घर कभी बिकेगा और ना तुम दोनों को हिस्से के नाम पे एक फूटी कौड़ी दूंगा मैं। अगर पापा ने विल में तुम दोनों का नाम नहीं लिखवाया था ना, धक्के मार के बाहर निकाल दिया था अब तक तुम दोनों को, लेकिन अब भी निकालूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। समन का तो कुछ करना ही पड़ेगा, बहुत उड़ रहा है। माँ माँ मुझे ऐसा लगता था कि पापा मरने से पहले ना अपनी सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम पे करके मिले, मगर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। प्यार व्यार भी करते थे कि नहीं वो मुझे, कि सारा कुछ दिखावा ही था। क्या छोड़ा उन्होंने हमारे लिए बताइए आप? इस घर में एक हिस्सा और एक FD जो कि शादी से पहले मैं कैश नहीं करा सकती। माँ अपनी सारी प्रॉपर्टीज ना उन्होंने उस अमन के नाम पे करके मरे। माँ आप तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, क्या हुआ? कहीं का नहीं छोड़ा उस बुड्ढे ने हमें। जयंती का तमीज से बाप थे तेरे वो। बाप? माय फुट बाप। माँ आपने भी ना शादी उसे सिर्फ उसके पैसे के लिए की थी, जबकि आपको मालूम था कि उसे उसकी पहली बीवी से एक बेटा है। और क्या मिला आपको सिवाय जलालत भरी जिंदगी के? कोशिश तो पूरी की थी कि वो बुड्ढा सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम पर करके जाए, लेकिन पता नहीं कैसे और कब वकील से मिलकर उसने विल ही चेंज करवा दी। पर तू फिक्र मत कर, किसी भी तरह हम दोनों का हक छीन कर रहूंगी। माँ आप कुछ नहीं कर सकती हो, आप अब पूरी जिंदगी ना उस अमन के रहमो करम पे बितानी पड़ेगी हमें। अगर ऐसा है तो फिर अमन को ही फंसाते हैं ना। मतलब? मतलब ये कि तू उसे अपने हुस्न के जाल में फंसा और किसी तरह उसे अपने करीब ले आ। What? मैं पागल हो गई हूँ क्या? सौतेला ही सही भाई है मेरा, और मैं कैसे उसके साथ? सौतेला ही है ना, सगा तो नहीं है। और अब तू बड़ी संस्कारी बन रही है, हर 3 महीने में जब बॉयफ्रेंड चेंज करती है तब कहाँ जाते हैं तेरे संस्कार? और मैं कहा सच में कुछ करने के लिए कह रही हूँ, तू बस ड्रामा कर, किसी भी तरह उसे अपने करीब ले आ और फिर बिस्तर तक ले जा। और जब वो बेकाबू हो जाए तू ऐसी एक्टिंग कर जैसे वो तेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, और मैं चुपके से वीडियो बना लूंगी और फिर देखना वो वही करेगा जो हम उसे कहेंगे। अपने खानदान की इज्जत बहुत प्यारी है ना उसे, देख कैसे नचाती हूं उसे अब। माँ आपका प्लान तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मगर वो कमीना अमन है ना हमारे प्लान में फंसने वाला नहीं है। अगर नहीं फंसाना तो लानत है तेरी इस जवानी पर। अरे थोड़े अपने जवानी के जलवे दिखा, आज नहीं तो कल फंस ही जाएगा। आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, सोफा एकदम अच्छी कंडीशन में है। अरे आप चाहे तो खुद आकर देख लीजिए ना। अच्छा फोटोज
ठीक है, मैं आपको फोटोज भेज देती हूँ। कॉफी तुम्हारे लिए ले लो। क्या हुआ, कोई नया प्लान बनाया मेरे खिलाफ? अच्छा जहर देके मारना चाहती हूँ मुझे। मुझे पता था तुम यही कहो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे? देखो अमल, पापा के विल के अकॉर्डिंग अगर बाय चांस तुम्हें कुछ भी होता है ना तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये छत भी हमारे हाथ से निकल जाएगी, तो हम भला तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? सो डोंट वरी, कॉफी पी लो। नहीं चाहिए। क्यों, इतनी बुरी लगती हूं मैं तुम्हें? ले लो, तुम्हारे लिए बनाई। तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? हाँ देखो अमन, हम दोनों बच्चे नहीं हैं। ना ही तो तुम मुझे अपनी बहन समझते हो और ना ही तो मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूँ। तो क्यों ना हम दोस्त बन जाए? झगड़े में क्या रखा है? क्यों ना थोड़ा प्यार से रहे साथ में? वैसे भी मैंने देखा है कि तुम्हें मेरे दोस्तों का घर पे आना बिल्कुल पसंद है, तो क्यों ना तुम ही मेरे दोस्त बन जाओ। देखो इससे कोई घर पे भी नहीं आएगा और मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। बोलो करोगी मुझसे दोस्ती? तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, इलाज करवा लो जाकर। दिमाग खराब हो गया, कब तक दूर भागेगा? एक ना एक दिन हाथ में तो आ ही जाएगा। जल्दी उठाओ भैया, लेकर जाओ। हाँ पैसे दे दो, पूरे है ना? जल्दी लेकर जाओ भैया। देखो किसी को बताना मत इसके बारे में, ठीक है? जाओ जाओ। सोफा कहाँ गया? अरे बहरी हो गया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सोफा कहाँ गया? बेच दिया। क्या मतलब बेच दिया? 3,000 रुपए में कबाड़ी को दे दिया। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? पापा की निशानी थी वो, पहले तुमने पापा की कार बेच दी, उसके बाद पापा का पियानो बेच दिया, फिर झूमर बेचा, अब ये सोफा। चाहती क्या हो तुम? हाँ तो क्या करती, मेरे भी खर्चे हैं, कैसे पूरा करूं उन्हें? और तू तो देगा नहीं। तुम्हें कोई हक नहीं, तुम घर का एक भी सामान बेचो। विल में तो सिर्फ इतना लिखा है कि घर नहीं बेच सकते, घर के सामान को तो बेच ही सकते हैं। और रही बात हक की, तो इस घर की चीजों पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि तेरा। जरूरत पड़ी तो बेच दी। अरे तो होता कौन है मुझसे सवाल करने वाला? तुम माँ बेटी ने ना मिलके मेरा जीना हराम कर दिया है। देखना बहुत जल्द एक ना एक ना तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल के रहूंगा। देखते हैं कौन कहाँ जाता है। रजत जी आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अरे मैं परेशान हो गया हूँ, उन दोनों ने मेरा जीना हराम करके रखा है। वो मेरी सौतेली बहन जयंतिका रोज एक नए बॉयफ्रेंड को घर ले आती है, मेरे घर को उसने अय्याशी का अड्डा बना दिया है। और वो मेरी माँ, मेरी सौतेली माँ, वो ना मेरे पीठ पीछे घर का एक एक सामान चोरी करके बेचने लगी है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये दोनों मिलके बहुत जल्द मेरे पुश्तैनी घर को खंडर बना के रख देंगे। अब वकील साहब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। देखो अमन, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। ये दोनों तुम्हें जानबूझ के परेशान कर रही है, जिससे तुम परेशान होकर अपना घर बेच दो और उन्हें उनका हिस्सा दे दो। लेकिन तुम गुस्से में आके कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगी जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो जाए। वकील साहब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन दोनों के प्लान को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। पता नहीं पापा ने दूसरी शादी क्यों की, और की तो की, वो भी ऐसी नीच औरत से की। देखो अमन, मैं तुम्हारे पापा को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, मेरे अच्छे दोस्त थे वो।
उन्होंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद उन्हें तुम्हारी चिंता रहती थी, तुम्हें माँ की कमी महसूस ना हो इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की। लेकिन मंजू तुम्हारी सौतेली माँ ऐसी निकलेगी ये कोई नहीं जानता था। देखिए वकील साहब, अब जो होना था सो तो हो गया, मैं बस अब इन दोनों से छुटकारा पाना चाहता हूँ किसी भी हाल में। लीगली तो तुम उन दोनों को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन जिस हिसाब से उन दोनों की हरकतें हैं तुम उसका मुद्दा बनाकर उन पर केस जरूर कर सकते हो, और उसके बाद भी उनकी अगर हरकतें नहीं सुधरी तो उन्हें घर से बाहर निकालना आसान होगा। उसके लिए मुझे तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लाइक तुम्हारे पापा के विल पेपर। आपको जो भी पेपर चाहिए ना मैं तुरंत घर जाके ले आता हूँ, आप बस केस की तैयारी कीजिए, दैट्स इट। तुम्हें बार बार भागने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी असिस्टेंट को भेज के सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, जैसे आप कहें। क्या हुआ, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? प्यार ही तो कर रही हो ना, तुम्हें जहर थोड़ी ना दे रही। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे बेशर्मी की भी एक हद होती है। बेशर्म? ऐसी कैसी बेशर्मी कर दी मैंने तुम्हारे साथ, बताओ भला। मेरी भी तो जरूरतें हैं मां, वो कौन पूरी करेगा? अंदर आओ। ये प्लानिंग है तुम दोनों की मुझे फंसाने के लिए। जब तू मेरे पास कॉफी लेके आई थी ना सुबह, मैं तभी समझ गया था कुछ तो झोल है। होगी रिकॉर्डिंग, बताओ। डिलीट करो अभी, जल्दी डिलीट करो इसे। चलो उठो, गेट आउट, गेट आउट, उठो। अगली बार ऐसी कोई हरकत की ना तो सच कह रहा हूं छोड़ूंगा नहीं। Get out! फंसा ही नहीं हमारे जाल में। मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि वो नहीं फंसने वाला है मेरे जाल में, बट आप तो मेरी बात को मानते ही नहीं है। इसके ऊपर से फालतू में मेरी इंसल्ट करवा दी। माँ आप कुछ नहीं होने वाला हमारा, समझे? एक ही रास्ता बचा था वो भी गया। अब पूरी जिंदगी इस घर में सर झुका के रहना पड़ेगा हमें, जैसा वो बोलेगा वैसा करना है, जो वो चाहेगा वो करना है, और कुछ नहीं। मुझ इसको मार भी नहीं सकते लोग, और इस घर को छोड़ भी नहीं सकते। नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो मैं निकाल कर ही रहूंगी। इतनी आसानी से मैं हम दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अपना हक मैं लेकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। हेलो, मैं रूबी, वो एडवोकेट रजत वर्मा ने मुझे भेजा है डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए। आप अमन ही हो ना? जी जी, अंदर आइए ना। हम लोग अंदर चल के बात करें। या श्योर, प्लीज। लीजिए, एक बार आप चेक कर लीजिए। वैसे वकील साहब ने जो जो पेपर्स के लिए कहा था वो सब है इसमें। बाकी सब तो ठीक है, बट इसमें प्रॉपर्टी का कोटेशन पेपर नहीं है। हाँ, वो एक्चुअली कल ही बनाने के लिए दिया, कल तक आ जाएंगे, मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, पेपर्स मुझे साइन करके दे दीजिए।
ओके फाइन डन ठीक है मैं चलती हूँ. आई एम सो सॉरी मैं पूछने भूल गया कुछ लेंगी चाय कॉफी ठंडा समथिंग. नो नो नथिंग थैंक यू सो मच बाय बाय. वैसे अमन तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. रजत सर बहुत अच्छे लॉयर हैं. देखना वो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करते हैं. नहीं वैसी कोई बात नहीं है मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ. भले ही आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन आपकी आंखों में उदासी और अकेलापन साफ साफ दिखाई दे रहा है. वेल आई विल टेक अ लीव. अपना ख्याल रखना. बाय. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग रूबी. अमन की फाइल लाई? जी सर सारे पेपर्स रेडी हैं बस उनकी प्रॉपर्टी के कोटेशन नहीं निकली वो कल मिलेगी. अरे स्टैंप पेपर अटैच नहीं किया? सॉरी सर वो सोनू आज ऑफिस नहीं आया तो मैं किससे मंगवाती. इट्स ओके मैं ही करता हूँ दिनेश को कॉल. हाँ दिनेश एक 1000 रुपये का स्टैम्प पेपर रेडी करो. पार्टी का नाम अमन शर्मा शीतल बिहार कॉलोनी और मुझे मेल कर दो. एक काम करो अभी दिनेश मेल कर रहा है उस पर स्टैम्प पेपर प्रिंट आउट निकाल के इसमें अटैच कर देना. ओके सर. 3000 रुपये और ये हो गया पेमेंट. यू मे गो नाउ. थैंक यू. हाय अमन. हाय. वो कोटेशन के पेपर्स रेडी हो गए? हाँ हाँ रेडी है. प्लीज कम इन. बैठे ना. यस थैंक यू. मैं अभी पेपर्स लेके आता हूँ. या कोटेशन के पेपर सिग्नेचर कर दिया. ओह वाओ फाइन सुपर थैंक यू सो मच. मैं चलती हूँ. अरे ऐसे कैसे? हाँ आज तो आपको मेरे साथ मेरे हाथों से कॉफी पीनी पड़ेगी. हाँ हाँ डन. ओके फाइन मैं ले आता हूँ. या सॉरी. कॉफी? थैंक यू. बाकी के फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं? बाहर गए. कैसी है? हाँ आई मीन कॉफी कैसी लगी? कॉफी इट्स सुपर. थैंक यू. लगता है मेरी बातों का काफी असर हुआ है तुम पे. क्या मतलब? मतलब ये कि आज तुम भी हैप्पी लग रहे हो और तुम्हारी आंखें भी. एक्चुअली पापा की डेथ के बाद मैं काफी अकेला फील करने लगा और ऊपर से इन दोनों का टेंशन वो अलग. पता ही नहीं चला कब उदास रहना आदत सी बन गई मेरी. फिर अचानक कल तुमने कहा कि जो कुछ है वो मेरी आंखों में साफ नजर आता. फिर मैंने सोचा रियलाइज किया कि मैं अपने साथ बहुत गलत कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए. राइट. थैंक यू जो तुमने मुझे रियलाइज करवाया उसके लिए. यू मोस्ट वेलकम. अच्छा मुझे काफी देर हो गई है मैं चलती हूँ. या बाय बाय. इजी इजी लगी? ओह मेरा पैर. तुम ठीक तो? लगता है मेरा पैर. पता नहीं कैसे मेरा पैर ट्विस्ट हो गया. तुम ठहरो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ. नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है. आई थिंक बाम लगाने से ठीक हो जाएगा. मैं लगा लूंगी. इट्स ओके मैं करता हूँ.
थोड़ा यहाँ तक। हाँ श्योर। अब क्या हो गया? आई थिंक पैर की वजह से मेरी कमर में भी पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। क्या तुम थोड़ा बाम मेरी कमर पे भी लगा सकते हो? हाँ श्योर। थैंक यू। कंफर्ट जोन में लेट जाओ आराम से। थोड़ा यहाँ पे। यहाँ पे? आराम से ठीक है अब। थैंक यू सो मच। तुम बहुत स्वीट हो। तुम भी रूबी। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। आराम से। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। बस पसंद करते हो? आई लव यू। तुम्हें कुछ नहीं कहना? एक्चुअली मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। तो आई लव यू टू। You know what? What? आज ना मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। In fact, I'm feeling lucky. मैं भी तुम्हारे प्यार के एहसास से मेरे पैर का दर्द भी चला गया। पर अमन, हमारे इस रिलेशनशिप के बारे में वकील साहब को पता नहीं चलना चाहिए। हमारे एसोसिएशन के कुछ रूल्स हैं। हम लोग अपने क्लाइंट्स के साथ में कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं बना सकते। अगर उनको पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार तुम्हारा केस ओवर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चिंता मत करो, उन्हें कभी ये बात पता नहीं चलेगी। आई प्रॉमिस। थैंक यू। अब अपने बारे में बताओ कुछ। मेरे बारे में? मेरी तो बहुत सिंपल सी लाइफ है। एक छोटे से गाँव में बहुत गरीबी में पैदा हुई। गरीबी में पैदा हुई तो अमीर बनने के सपने देखने लगे। गांव में LLB किया एक गवर्नमेंट कॉलेज से, और फिर यहाँ भी इंटर्नशिप के लिए। बस एक बार इंटर्नशिप पूरी हो जाए, थोड़े से पैसे कमा लूँ, फिर अपना एक घर लूँगी मुंबई में। मुंबई? हाँ, मेरा तो बचपन से ये सपना है मुंबई में सेटल होने का। यार यहाँ वो लाइफ का मजा नहीं है जो मुंबई में है। बस एक बार ढेर सारा पैसा कमाना है, मुंबई में खुद का घर खरीदना है, और फिर मम्मी पापा को लेके वहीं सेटल हो जाना है। बस इतना साहब है।
वाह, मतलब तुम यहाँ रेंट पे रहती हो? हाँ, रेंट पे ही रहती हूँ। If you don't mind, अगर तुम चाहो और तुम्हें सही लगे तो तुम आ सकती हो यहाँ रहने के लिए। I mean, यहाँ शिफ्ट हो सकती हो। क्या? अरे इतना बड़ा घर है, आराम से रहो यहाँ पर। Really? सच? Thank you. जयंतिका, तुझे उस दिन समझाया था ना मैंने, मेरी बात समझ में नहीं आई तुझे? हाँ, आज ना तुझे बराबर मेरी बात समझ में आएगी साले। अरे छोड़, मुझ पर गुस्सा करने से पहले अपनी बहन को संभाल। उसने बुलाया तो मैं आया, वरना नहीं आता, समझा? क्या हुआ जयंतिका? वो ही हुआ जो हमेशा होता है, फिर से इसने इमरान को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। मैंने पहले ही कहा था ये मेरा घर है, तुम दोनों का अय्याशी का अड्डा नहीं है ये। अय्याशी करना करो, लेकिन मेरे घर के बाहर। वाह, तू करे तो लीला और हम करे तो अय्याशी हो गई। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं, सही कह रही हूँ। तू जयंतिका पर अय्याशी करने का लांछन लगा रहा है ना, और जो तू कर रहा है वो क्या है? इस रूबी के साथ ये भी तो अय्याशी ही है ना। अगर इमरान इस घर में नहीं आ सकता तो इस रूबी को भी इस घर से निकाल। होश मेरे के बात करो तुम, ये दूसरों की तरह नहीं है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। क्या पागल हो गया क्या? क्या बकवास कर रहा है तू? सच कह रहा हूं मैं, अगर आज के बाद तुम दोनों में से किसी ने भी इसके ऊपर उंगली उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना ये बात। चलो रूबी। क्या हुआ, इतने अपसेट क्यों? नहीं कुछ नहीं, बस वही तुमने जो बाहर कहा उसके बारे में सोच रही थी। कौन सी, शादी वाली बात? हाँ। तुम सच में मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ ऑफ कोर्स करती हूँ। तो फिर इतना टेंशन क्यों ले रही हो? अभी एंगेजमेंट कर लेते हैं, शादी बाद में कर लेंगे। देखो इस वक्त ना सबसे ज्यादा जरूरी इन दोनों का मुंह बंद करना, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ओके? और रही बात शादी की, तो हमें तो एक ना एक दिन शादी करनी है। पर अमन। पर क्या? अरे मुझे मम्मी पापा से भी तो बात करनी पड़ेगी ना। इतनी सी बात, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं खुद तुम्हारे गाँव जाऊंगा, उन दोनों को यहाँ ले आऊंगा। ओके, आई प्रोमिस। चलो यार अब ये सीरियस वाला मूड ना खत्म करो, स्माइल करो, ऐसा अच्छी नहीं लग रही हो, स्माइल करो। अगर इन दोनों की शादी हो गई तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। रूबी वकील है, किसी भी तरह हम दोनों को घर से बाहर निकाल ही देगी। लगता है जल्दी कुछ करना पड़ेगा, लगता है
अब किसी वकील की ही मदद लेनी पड़ेगी। सब गड़बड़ोगी। क्या जरूरत थी तुझे ऐसा करने की? रूबी, 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 रूबी कहाँ है? मुझे क्या पता, जाए यहां से। कहीं दोनों ने मिलकर उसके साथ गलत तो नहीं किया? फोन करना पड़ेगा। अमन, क्या हुआ? तुम आवाज लगा रहे थे। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था? थैंक गॉड तुम ठीक हो। मुझे कुछ नहीं हुआ है। कितनी फिक्र करते हो मेरी। कितनी स्वीट हो। मुझे कुछ नहीं हुआ है और तुम्हारे रहते हुए तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। वैसे तुम्हें क्या लगा था? मुझे लगा कि कहीं गुस्से में आकर मंजू और जयंतिका ने तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। सही लगा था तुम्हें। जयंतिका आई थी मुझे मारने के लिए। क्या इतना सब कुछ हो गया तुमने मुझे बताया नहीं? अमन, मैं अभी जाके ना उन दोनों की खबर। लिसन, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? हाँ, हम दोनों ठीक हैं। हाँ, जयंतिका ने मुझसे वादा किया है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। उन दोनों को एक मौका तो देना चाहिए ना। और अगर ऐसे कुछ होता भी है ना तो मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखा दूंगी। तुम क्यों खामखा अपना दिमाग खराब कर रहे हो? और वैसे भी ऐसा मूड तुम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो अभी मुस्कुरा दो। हाँ, तुम्हें कल लॉयर साहब के पास भी जाना है ना? पर रूबी, पर कुछ नहीं। रूबी रेडी हो गई? क्या हो गया? कुछ नहीं। चलना नहीं है? हाँ। बताओ क्या हो? मेरे को तुम टेंशन में लग रही हो। जयंतिका ने फिर कुछ कहा तुमसे? कुछ किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं अमन, वो बात नहीं है। फिर बताओ ना क्या बात है। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमसे कैसे कहूँ। अगर मुझसे नहीं बताओगी तो और किसे बताओगी? एक्चुअली दरअसल मन, माँ ने मेरी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। धीरे धीरे करके आधे से ज़्यादा पैसे तो मैं चुका चुकी हूँ। अभी हर रोज़ कर्जे वाले आकर माँ बाबूजी को परेशान करते हैं। मेरी अभी माँ से बात हुई, वो बता रही थी कि कल तो बात गाली गलौज तक पहुँच गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ से पैसा लाऊँ, कैसे उनका पैसा चुकाऊँ। कितना लोन बाकी है? 50,000। मुझसे ले लो। देखो फिलहाल मेरे पास 50 तो नहीं है, लेकिन 40 है मेरे अकाउंट में। वो दे दो, अगले महीने बचे हुए 10 दे देना। नहीं अमन, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? कैसे मतलब क्या? मुझसे नहीं लोगी तो और किससे लोगी? आफ्टर ऑल होने वाली पत्नी हो मेरी, समझी ना? चलो अब जल्दी रेडी हो जाओ, जब तक मैं बाहर बैठ के तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ पैसे। नहीं नहीं, ट्रांसफर मत करना। वो मुझे कैश में चाहिए थे पैसे। तो ठीक है ना, ATM से निकाल लेंगे बाद में। तुम रेडी तो हो जाओ यार, लेट मत करो। चलो शाबाश, रेडी हो जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूं।
यस सर। रूबी ये अमन की फाइल है, चेक कर लो कुछ है तो ठीक है। ओके सर। रूबी जी सर, तुम्हारे और अमन के बीच में कुछ चल रहा है क्या? ये आप क्या कह रहे हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ऐसे क्यों लगा? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो और सोनू को बोलना अंदर चाय भेजते। ओके सर। अमन, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ, अरे बताओ तो सही बात क्या है? नंबर वन कि आज मेरा सारा कर्जा चुक गया और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। ओके। एंड नंबर टू कि आज मैंने मम्मी पापा से तुम्हारे बारे में बात की। सच में? यस। क्या कहा उन्होंने? उन्हें तो बहुत पसंद हो। ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। लेट्स सेलिब्रेट। कम। ऑफ कोर्स। तुम बैठो, मैं ग्लास लेकर आता हूँ। अरे हाँ मैं भूल गई, वो रजत सर ने तुम्हें कुछ प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने के लिए कहा है, मैं पेपर्स लेकर आती हूँ। ठीक है। यू ओके? या और बैग तैयार है? मैं ही फाइल रख कर आती हूँ, तब तक तुम पियो। हाँ ओके। जल्दी आना, आई एम वेटिंग। रूबी तुम दोनों स्टैम्प बिल टोटल 12,000 रुपए, बिल तो 2,000 रुपए का था। हाँ दिनेश, ये 12,000 रुपए का बिल किस बात का है? आज तो स्टैंप पेपर 2,000 रुपए के बने थे ना सर। 2,000 के स्टैंप तो आपने बनवाए थे, पर रूबी ने भी कुछ स्टैंप बनवाए थे 50,000 के। 50,000 के? जिसमें उसने 40,000 तो दे दिए थे, बाकी 10,000 कल देने को बोला था। मुझे लगा कि आपने ही बनवाए होंगे तो आपको बिल भेज दिया। अच्छा किसके नाम पे इशू हुए थे, मुझे नाम बताओ दोनों का। एक मिनट मैं चेक करता हूँ।
हाँ सर। हाँ, फर्स्ट पार्टी का नाम है अमन शर्मा एंड सेकंड पार्टी का नाम है रूबी एंड मंजू। रूबी, मेरे साथ तुझे क्या लगा मैं तुझसे सच में प्यार करती हूँ? सब नाटक था बेबी, तुझसे प्रॉपर्टी के पेपर जो साइन करवाने थे याद है तुझे, जब मैं पहली बार तेरे घर आई थी पेपर्स लेकर। रूबी, तुम रूबी ही हो ना, रजत जी की असिस्टेंट? हाँ, आप अमन की माँ है ना? हाँ हूँ, लेकिन सौतेली माँ। आपको मुझसे क्या काम है? एक हेल्प चाहिए आपसे। कैसी है? तुम अमन की वकील हो तो तुम कैसे भी करके ये केस उसके फेवर में नहीं उसके अगेंस्ट कर दो, और बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आपको क्या लगता है कि मैं पैसों के लिए अपने क्लाइंट के साथ में गद्दारी करूंगी? नेवर। 20 लाख देंगे हम तुम्हें। मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं कि 20 लाख में बिक जाए। कम से कम 50 लाख। 50 लाख बहुत ज्यादा है। करोड़ों की प्रॉपर्टी में से 50 लाख तो बनता है। सौदा मंजूर है तो ठीक है, अदरवाइज बाय। रुको, मंजूर है। और फिर तुझे अपने प्यार की जाल में फंसाया। दूसरा कोई रास्ता नहीं था मेरे पास में। तुम्हें मालूम है कल रात को जयंती का जब तुम्हें मारने के लिए घूमने आई थी, उसके बाद मैं उसे बाहर लेकर आई। ये क्या करने जा रही थी तुम? हाँ, संभालो संभालो अपनी बेवकूफ बेटी को। क्या हुआ? ये अमन का खून करने जा रही थी। वो तो वक्त पर मेरी आंख खुल गई और मैं इसको बाहर लेकर आ गई। अगर अमन प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन किए बिना मर जाता ना, तो तुम दोनों माँ बेटे के हाथ में कुछ नहीं आता, समझे? तो क्या करती मैं? हाँ, तो उससे शादी करने जा रही हूँ। वैसे भी उसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम पे हो जाएगी, तो तुम हमारा काम क्यों करोगी? बोलो। सही तो कह रही है। ओ हेलो, मैं और इस लल्लू से शादी। वैसे तुम दोनों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरी शादी ऑलरेडी तय हो चुकी है। ये जितना भी ड्रामा है ना, ये सब मैं पैसों के लिए कर रही हूँ, ठीक है? और रही तुम्हारे विश्वास की बात, तो ठीक है, मैं कल ही अमन से प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा लेती हूँ, जिसके लिए मुझे स्टैम्प पेपर लगेगा और स्टैम्प पेपर 50,000 के आएंगे। लाओ 50,000 रुपये। हमारे पास नहीं है। वाओ, मतलब तुम्हें करोड़ों की प्रॉपर्टी चाहिए और तुम दोनों के पास में स्टैम्प पेपर लाने के लिए भी पैसे नहीं है? वो काम भी मैं ही करूँ? चलो ठीक है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रॉपर्टी के पेपर साइन होते ही अमन को मारने की जिम्मेदारी तुम दोनों की। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ प्रॉपर्टीज के पेपर साइन करो। वैसे भी मैं उसको जान से मारने के लिए ना। और अब तू सोच रहा होगा कि ये सब मैंने क्यों किया? पैसों के लिए। याद है तुझे वो गरीबी वाली बात, मेरे नकली माँ बाप? पैसा मेरी जरूरत भी है और जुनून। गुड बाय जानी, लव यू। अब तुम जल्दी से इसका किस्सा खत्म करो, इसकी लाश भी ठिकाने लगानी है। इसके लिए तो मैं कब से तरस रही। अमन, इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लो इन सबको।